वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीशो एप्लीकेशंस का अकाउंट डिलीट कैसे करें। अगर आप भी मीशो एप्लीकेशंस के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाई स्टेप पर जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप भी मीशो एप्लीकेशंस के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाई स्टेप पर जरूर देखना, साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मीशो एप्लीकेशंस के अकाउंट को डिलीट करना है तो इस एप्लीकेशंस को ओपन कर लेनी है। उसके बाद में आपको अपना जो भी अकाउंट है उसमें आपको आ जाना है। उसके बाद में ऊपर की तो आपकी प्रोफाइल रहेगी, उस प्रोफाइल में आना है, सेटिंग का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिलीट माई अकाउंट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ से आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक कर लेना है। कोई भी रिजन देना है डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। जो भी नंबर जिस नंबर से अकाउंट बना होगा उस पर ओटीपी कोड आया होगा, उन ओटीपी कोड को सिंपली यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो चलिए मैंने जो भी यहाँ पर नंबर दिया है उस पर ओटीपी कोड आया है, उन ओटीपी कोड को सिंपली मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आपको भी सिंपली यहाँ पर जो भी नंबर है उस पर ओटीपी कोड आया है, उन ओटीपी कोड को एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपका अकाउंट रहेगा पर डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट डिलीट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इस एप्लीकेशन के अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।